गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स दिस इज़ अमन वेलकम्स यू टू इंडियाज़ बेस्ट कम्पिटिटिव कोचिंग प्लेटफॉर्म सी पी एस लर्निंग जी हाँ यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे यू पी एस सी एच ए एस 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 सी एंड बैंकिंग की तो आज ही ज्वाइन करें सी पी एस क्लासेज को चलिए मूविंग टूअर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ सिक्स नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड

जी जो है नरेंद्र मोदी जी हाल फिलहाल में किस देश में पहुंचे हैं सोलहवीं जी ट्वेंटी सबमिट की मीटिंग को अटेंड करने के लिए एंड द करेक्ट ऑप्शन इज इटली जो ये जी ट्वेंटी की सिक्सटींथ मीटिंग है ये रोम में हुई सो so प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीस्ट इटली टू तो अटेंड दिक्सटीथ जी ट्वेंटी सबमिट ट्वेंटी ट्वेंटी वन विच वॉज हेल्ड इन रोम और यहाँ पे जो है दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर काफ़ी डिस्कशन देखने को मिला द फर्स्ट वन इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जी हाँ स्ट्रेंथनिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर यहाँ बात की गई क्योंकि अभी जब हैंडलिंग ऑफ कोविड नाइन्टीन जो पेंडेमिक था उसकी हैंडलिंग को देखा जाए तो बहुत ही पुअर थी ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो इसको जो है और स्ट्रेंथन करने की यहाँ बात की गई एंड द सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द डिस्कशन इज पेरिस एग्रीमेंट जी हाँ क्लाइमेट चेंज को लेकर जो है पेरिस एग्रीमेंट जी ट्वेंटी कंट्रीज़ के द्वारा साइन किया गया था इस पर भी काफ़ी चर्चा सुनने को मिली है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विच अफ़गानिस्तानी क्रिकेटर अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल इंटरनेशनल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट रिसेंटली यानी हाल फिलहाल में किस अफग़ानिस्तानी क्रिकेटर के द्वारा क्रिकेट की तीनों ही फॉर्म से संन्यास की घोषणा की गई है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी असगर अफ़ग़ान जी हाँ असगर अफ़ग़ान जो कि एक फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन रह चुके हैं अफ़गानिस्तान टीम के इनके द्वारा जो है तीनों ही फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की गई है एंड ई वॉज द हाइस्ट विनिंग स्ट्रीक कैप्टन यानी बैक टू बैक जो है इनकी कैप्टनशिप के अंडर में अफ़गानिस्तान ने सबसे ज़्यादा मैच को जीता है और इसके बाद नंबर आता है हमारे प्यारे भारत का एम एस धोनी की कैप्टनशिप के अंडर हमने भी जो है सिर्फ एक मैच कम इनसे एक स्ट्रीक मेंटेन की थी चलिए मूविंग towards द नेक्स्ट क्वेश्चन which इज़ ऑन your स्क्रीन नाउ which government ऑफ़ ऑन नवंबर fifth टू प्रोवाइड seventy five percent रिजर्वेशन टू लोकल कैंडिडेट्स इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स यानी किस राज्य सरकार के द्वारा पांच नवंबर से पचहत्तर परसेंट रिजर्वेशन किया गया है लोकल कैंडिडेट्स के लिए प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी हरियाणा जी हाँ द रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल इन प्राइवेट कंपनीज दैट पे लेस देन रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ यानी ये जो रिजर्वेशन uh, है उन्हीज कंपनीज पे एप्लीकेबल होगी जिनमें मंथली सैलरी जो है वो पचास हजार रुपये से कम दी जा रही है मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च इट्स यू यूनाइट पेमेंट इंटरफेस यू पी आई इन इंडिया फॉल फॉलोइंग द अप्रूवल ऑफ नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया एन पी सी आई यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को अभी जो है यू पी आई के रूप में एंट्री में दी गई है अप्रूवल दिया गया है एन पी सी आई के द्वारा एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए व्हाट्सएप जी हाँ व्हाट्सएप जो है अपनी यू पी आई सर्विसेज के साथ अभी मार्केट में लॉन्च हो चुका है एंड वाट्सएप पे कैन बी एक्सेस्ड बाई एंड्रॉयड एंड आई ओ एस यूजर यानी आईफोन और एंड्रॉयड दोनों पे ही जो है इसको यूज़ किया जा सकता है पेमेंट करने के लिए मूविंग टवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच मिनिस्ट्री अप्रूव द स्टैंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एस ओ पीज़ फॉर री ओपनिंग ऑफ द आर्ट गैलरीज एंड म्यूजियम फ्राम नवंबर टेंथ ट्वेंटी ट्वेंटी वन इन द कंट्री जो हमारा कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक था उसके बाद जो है सारी ही इंडस्ट्रीज़ को बंद किया गया था जिनमें से एक हमारी जो है आर्ट गैलरीज एंड म्यूजियम इंडस्ट्री भी थी जिसको काफ़ी नुकसान होने को मिला है तो पूछा गया हाल फिलहाल में किस मिनिस्ट्री के द्वारा इनको रीओपन करने की जो परमिशन है जो प्रोसीजर है वो दी गई है वो परमिशन जो है प्रोवाइड की गई है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर The government has earlier in March 2020 closed all the museum, art galleries and exhibitions in the wake of spread of novel coronavirus, which are recently opened again by Ministry of Culture. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which government is planning to introduce prevention of loss of public property and recovery of damaged? यानी किस राज्य सरकार के द्वारा एक ऐसा अभी बिल पास किया जाने वाला है जिसमें जो राइट्स होते हैं या जो स्ट्राइक्स होती हैं उनमें जो पब्लिक और प्रॉपर्टी का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो डैमेज किया जाता है उसकी रिकवरी की जाएगी ये एक्ट किस राज्य सरकार के द्वारा पास किया जाने वाला है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ बीन प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रिवेंशन ऑफ लॉस और एंड पब्लिक लॉस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ डैमेजेस एक्ट अंडर द प्रपोज एक्ट अ क्लेम ट्रिब्यूनल विल बी फॉर्म टू रिकवर द डैमेज फ्राम दोज हु पेल्ट स्टोन्स एंड डैमेज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज यानी इसके तहत जो है एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो कि फ़ैसला लेगा उन मुद्दों पर जो कि रिलेटेड होंगे रिकवरी से या फिर डैमेज से उन लोगों के द्वारा जो मतलब पत्थर फेंके जाते हैं या किसी भी प्रकार से आप जो है गवर्नमेंट या प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो डैमेज पहुँचाओगे तो उन्हें जो है उनके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बिठाया जाएगा जो कि उस पर फैसला लेगा और ऐसा मध्य प्रदेश सरकार जो है राज्य सरकार करने वाली है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हु बिकम द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन टीम यानी भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच किसे बनाया जाने वाला है एंड द करेक्ट ऑप इज ऑप्शन नंबर डी राहुल द्रविड राहुल द्रविड द फॉर्मर इंडियंस कीपर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हैड कोच ऑफ इंडियन टीम राहुल द्रविड विल टेक चार्ज ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम फ्रॉम द अपकमिंग होम टी ट्वेंटी सीरीज़ अगेंस्ट न्यूजीलैंड यानी अभी जो अपकमिंग मैच है जो सीरीज़ है न्यूजीलैंड के साथ होम सीरीज़ यानी ये भारत में ही खेली जाएगी इस दौरे के दौरान जो है अपॉइंट किया जाएगा राहुल द्रविड जी को इंडियन हेड कोच नोबल प्राइजेज़ वर अनाउंस रिसेंटली हुंग दिलो वो ओन द बुकर्स प्राइज़ जी हाँ सबसे पहले जान लेते हैं बुकर्स प्राइज़ क्या होता है सो द बेस्ट बुक ऑफ द ईयर गॉड्स बुकर्स प्राइज और पूछा गया है इस वर्ष जो नोबल प्रोवाइज नोबल प्राइजेज जो अनाउंस हुए हैं उसमें बुकर्स प्राइज़ किसने जीता है एंड ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन डेमन गेलगाट वोन द बेस्ट बुकर्स प्राइज फॉर हिज बुक द प्रोमिस जी हाँ इन्होंने अपनी जो बुक है द प्रोमिस उसके लिए जो है बेस्ट बुकस का प्राइज इन्हें दिया गया है और ये जो बुक है इन्होंने लिखी थी ऑन डीसेंट्स ऑफ डच सेटलर्स एंड हैज़ बीन ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू देयर फॉर्म एंड स्टेटस इन पोस्ट अपेथेड साउथ अफ्रीका चलिए हेयर इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन ए स्क्रीन नाउ विच नेशन प्रपोज दिवाली डे एज ए नेशनल होली डे यानी किस देश ने जो है दिवाली को एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो एक छुट्टी के घोषणा के रूप में अभी घोषित किया जाने वाला है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जी हाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है प्लान कर रहा है टू मेक इंडिया टू मेक इंडियन फेस्टिवल दिवाली एज ए नेशनल होलीडे द न्यूयॉर्क कॉन्ग्रेसमैन कैरोलिन बी मेलोनी On November 3, 2021, introduced the इंट्रोड्यूस Day Act in the House of Representatives to make Diwali a national holiday in the U.S. चलिए इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है इसको हम समाप्त करते हैं आपसे मिलेंगे फिर अगले सेशन में और तब तक के लिए एक बार फिर से जो भी आप बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू आप एक बार जो है दिए गए नीचे दिए गए लिंक और डिस्क्रिप्शन पर कॉल करके जाने की वट इज़ द बेसिक डिफ्रेंस बिटवीन सी पी एस एंड अदर कम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट्स यहाँ आपको जो तैयारी करने को मिलती है वो बहुत ज़्यादा टू बी स्पेसिफिक स्ट्रिक्ट टू एग्ज़ाम पैटर्न होती है आपको जो है टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ बुक्स ई बुक्स एंड जो मैगजीस हैं प्रोवाइड की जाएंगी